स्ट्रैटेजी, नीड ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी की क्या नीड है, आइए जरा इस पे डिस्कस करते हैं। चूंकि हम लोगों को मालूम है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का, या हम कह सकते हैं कि किसी भी यूनिट का, के सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी का। क्योंकि जितनी एफिशिएंट प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडिपेंडेंट यूनिट उतनी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो आखिर क्या जरूरत है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी की? तो सबसे पहली बात क्या कि बहुत अहम योगदान होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने में, किसका? प्रोडक्शन एक्टिविटीज का। मतलब अगर आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी अच्छी है, एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कम से कम खर्चे में आप काम करते हैं, बहुत बढ़िया बेस्ट रिसोर्स एलोकेशन है, यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ऑप्टिमल डिसीजन रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ असेट्स हैं, प्लांट मशीनरी, पर्सनल का यूज हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो प्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है इसलिए। और हम अगर बात करें कि सबसे ज्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन के फेल्योर में अगर कोई कंट्रीब्यूशन होता है तो वो होता है दो चीजों का। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फेल कर रही है तो इन दो बातों का बड़ा अहम रोल होता है। और वो दो चीजें क्या है? वो दो बातें हैं ऑब्सोलेसेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड दूसरा है एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज कंपेयर टू अदर्स। ये दो चीजें ऐसी हैं कि आपको आपके फेल्योर को, मतलब मैक्सिमम फेल्योर के चांसेस बढ़ा देती हैं। ऑब्सोलेसेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, अगर कोई प्रोडक्ट लाइन आपका ऑब्सोलीट हो जाता है, मार्केट से बाहर हो जाता है, जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, आज आउट ऑफ फैशन हो गया, या एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस आज हम कोई सामान बना रहे हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा आ रहा है। अरे कॉस्ट जब ज्यादा आएगा तो मार्केट में आप कंपीट कैसे कर पाएंगे? कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो आप कंपीट नहीं कर पाएंगे अगर उसी क्वालिटी का सामान दूसरा आपसे कम कॉस्ट में बना करके सेल प्राइस रख रहा है। तो ये जो है ना मेजर फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को फेल करने के चांसेस को बढ़ाते हैं। तो ये दो रीजंस हैं, आप बोल सकते हैं कि हम क्यों स्ट्रेटजिक प्लानिंग करें, क्यों हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी को बनाएं। तो ये नीड है हमारी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब हमारी जो प्रोडक्शन प्लानिंग होती है वो किस पे बेस्ड होती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पे। मींस हम लोग ऑब्जेक्टिवली टारगेट करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और उस हिसाब से हम लोग क्या बनाते हैं? अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से जब हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो ये हमें हेल्प करता है अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को समझने में कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। अब जब ये बातें हम समझ जाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम उसके हेल्प से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग में, मींस किस तरह के ऑप्टिमल डिसीजंस, कि हमारे प्रोडक्ट क्या हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम रखें, हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या होगी। क्योंकि हम जब अपने चीज को समझ पाएंगे, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान पाएंगे, तब तो हम कोई चीज डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी होगी,
हम किस तरह के मैनेजरियल सॉरी किस तरह के पर्सनल होंगे हमारे पास, हमारे पास मशीन इक्विपमेंट की चॉइसेस अवेलेबल होंगे, कौन कौन से हम यूज करें, एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस की फैसिलिटीज क्या हैं। तो इन सब बातों को हम कब कर पाएंगे, जब हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बना के चलेंगे। तो देखिए जरा, तो पहला कारण क्या हो गया प्रोडक्शन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने का, दैट प्रोडक्शन स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, सो दैट वी आर एनेबल टू व्हाट इनकॉर्पोरेट व्हाट द प्रोडक्ट्स, व्हाट शुड बी द आर प्रोडक्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, चॉइसेस ऑफ इक्विपमेंट्स क्या क्या हम रखें, एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस फैसिलिटीज क्या हैं हमारे पास, तो इन सब में हमारी हेल्प होती है। तो ये एक रीजन होता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड रीजन, अगर हम दूसरे रीजन की बात करें, दूसरा रीजन है बहुत अहम है, उससे पहले हम पहले रीजन को आपको एक थोड़ा इंटरप्रेट करना चाहेंगे कि प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज प्लेज क्रूशियल रोल इन शेपिंग अल्टीमेट सक्सेस ऑफ अ फर्म। तो ये बड़ा अहम होता है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। सो बीइंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेस, व्हाट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेस, स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, सो इट एनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक ऑप्टिमल डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्लांट लोकेशन, प्लांट लोकेशन ऑल्सो, कि प्लांट का लोकेशन कहाँ हो, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। चॉइस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, कौन से मशीन, कौन से इक्विपमेंट, कौन से एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उनके मेंटेनेंस, तो इस रिगार्डिंग हम लोग ऑप्टिमल डिसीजंस ले पाए, मैक्सिमम जो फायदेमंद डिसीजन हो वो एडॉप्ट कर पाए, इसमें हेल्प करता है, क्योंकि प्रोडक्शन स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो रिलेटेड विद स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। एक्सटर्नल एनवायरमेंट की हम जब करते हैं तो स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी अपनी समझ में आती हैं कि इंटरनली हमारी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस हैं, तो इस हिसाब से हम डिसीजन ले पाते हैं। दैट इज द फर्स्ट रीजन, ठीक। दूसरा, ध्यान से सुनिए जरा, दूसरा रीजन क्या है, अगर दूसरे रीजन की बात करें, पहला तो था, पहले रीजन को आप ऐसे बोल सकते हैं, सिंस प्रोडक्शन स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, सो इट एनेबल्स, सो इट एनेबल्स ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग प्लांट, प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी
प्लांट लोकेशन, एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस फैसिलिटी कह सकते हैं आप, एंड एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस फैसिलिटीज एक्ट्रा। ठीक है, तो एक रीजन ये है कि चूंकि प्रोडक्शन स्ट्रेटजी जो है वो किस पे बेस्ड होती है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पे होती है, तो एक्सटर्नल ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल वीकनेसेस, तो इसकी वजह से ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग हो पाती है। किस रिगार्डिंग? रिगार्डिंग पेमेंट, प्लांट कैपेसिटी, लोकेशन, एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस फैसिलिटी, तो इसके रिगार्डिंग, तो ये भी एक रीजन हो सकता है स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी करने का। ठीक, अच्छा दूसरा आइए जरा सेकेंड पॉइंट हम कवर करते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो हम अगर प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मींस हम मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स बना रहे हैं कि कैसे हम प्रोडक्शन करें, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करें, चीजों को कैसे बनाएं, अगर उसका कॉन्स्टेंट रिव्यू करें, टाइम टू टाइम लगातार हम लोग हमेशा उसको रिव्यू करते रहें, तो उसका एक फायदा मिलता है। क्या ये हेल्प करता है प्रॉपर बैलेंस एस्टैब्लिश करने में? सर कैसा बैलेंस एस्टैब्लिश करने में? चूंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स को टाइम टू टाइम कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहां हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे किसमें, प्लांट में करते हैं, इक्विपमेंट्स और इन्वेंट्री खरीदते हैं उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कह सकते हैं कि पर्सनल कमिटमेंट में एक्सपेंस करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, या एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, ताकि प्रोडक्शन सिस्टम क्या हो, एफिशिएंटली चले। तो ये जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब ये हमने पैसा खर्च किया, लेकिन हमें पता चला कि हमारा जो शेड्यूल है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कि हमें अभी ये सामान नहीं बनाना, आगे बनाना है, या जल्दी बनाना है, या जो भी हो, तो शेड्यूल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स हमारे जो हैं एंड रॉ मटेरियल यूज में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। अब ये क्या है, ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो उतार और चढ़ाव हो रहा है इसमें, अब हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन दोनों में क्या है, प्रॉपर बैलेंसिंग करनी होगी। और ये बैलेंसिंग, अब चूंकि हम इन्वेस्टमेंट तभी करें जब उसका यूज हो, अब जैसे शेड्यूल फ्लक्चुएशन हो रहा है कि अभी हमें ये काम नहीं करना, हमारा शेड्यूल चेंज हो रहा है, तो हम अभी इन्वेस्टमेंट क्यों करें? अभी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा पैसा फंस जाएगा। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट में और इसमें, इन दोनों में बैलेंस बनाना कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट तभी करें जब उसका इस्तेमाल हो पाए, तो ये बैलेंसिंग करना कब पॉसिबल हो पाएगा? जब हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बनाएंगे या मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे। और रिव्यू कब होगा? जब टाइम टू टाइम हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज बनाते रहेंगे। तो ये एक और फैक्टर है जो हमें क्या करता है कि प्रोडक्शन स्ट्रेटजी करने पे हेल्प करता है, मदद करता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कॉन्स्टेंट रिव्यू ऑफ व्हाट? कॉन्स्टेंट रिव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स एड्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर बैलेंस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, इक्विपमेंट एंड मशीनरी, पर्सनल कमिटमेंट, एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। क्या होता है प्रोडक्शन सिस्टम, मैं आपको एक बार बता दूं। प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब होता है कि हमारा प्लांट कितने कैपेसिटी का है, उसकी लोकेशन क्या है, एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, कहाँ कहाँ वो यूटिलाइज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो इससे कंसर्न जो भी चीज़ें होती हैं। हाँ, आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन प्रोडक्शन सिस्टम में वर्टिकल इंटीग्रेशन भी आता है। ठीक है, हम लोग कैसे वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं, प्लांट का लोकेशन क्या होता है, लेआउट क्या है, कैसे वो रखा हुआ है, मशीनरी कैसे रखी हुई है, ये सारी चीज़ें किससे कंसर्न होती हैं, प्रोडक्शन सिस्टम से। तो प्रोडक्शन सिस्टम कंसर्न विद लोकेशन ऑफ प्लांट, लेआउट ऑफ प्लांट, इंटीग्रेशन ऑफ
वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये सारी चीजें। तो हम बात कर रहे थे कि एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम बाय ब्रिंगिंग इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी इन रिस्पॉन्स। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल होना, वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी मतलब वर्सेटाइल होना, मतलब अपने आप को कई तरह से एडजस्ट कर लेना, मल्टीटास्किंग होना। वर्सेटिलिटी इन रिस्पॉन्स टू शेड्यूल फ्लक्चुएशन, अगर शेड्यूल फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसी के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है ताकि हम भी एडजस्ट कर पाए खर्चों को। प्रोडक्ट मिक्स एंड वेरिएशन इन रॉ मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल एंड एनश्योर इफेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग एंड प्लानिंग ऑफ फैसिलिटीज। तो इन इफेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग एंड प्लानिंग ऑफ फैसिलिटी, मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है बताते हैं उसको, हैंडल करना मटेरियल को प्रॉपर लोकेशन पे ले जाना, ले आना, स्टोरेज करना, ये हैंडलिंग है, ठीक से रखना उसको। तो इन सब काम में अगर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो दोनों में इसमें अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इसके फ्लक्चुएशन को बैलेंस करने के लिए हमें टाइम टू टाइम रिव्यू करना होगा, और इसमें ये हेल्प करता है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग। दैट्स व्हाई प्रोडक्शन स्ट्रेटजी नीडेड, ठीक है। एंड नेक्स्ट सुनिए, लास्ट क्या पॉइंट है, विद इन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर प्रोडक्शन स्ट्रेटजी हेल्प्स इन मेंटेनिंग फुल कोऑर्डिनेशन। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी हेल्प्स इन मेंटेनिंग फुल कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। अरे किसके बीच में, विद विद मार्केटिंग एंड इंजीनियरिंग फंक्शंस। तो सुनिए जरा, अब एक चीज नहीं मिली हमें कि प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी हेल्प्स इन मेंटेनिंग फुल कोऑर्डिनेशन, मेंटेनिंग फुल कोऑर्डिनेशन किसके साथ, विद किसके साथ, विद मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड इंजीनियरिंग फंक्शंस, एंड इंजीनियरिंग फंक्शंस। अब सुनिए जरा, इसको समझने की कोशिश करिए, ये कोऑर्डिनेशन से क्या होगा। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी जब बनाते हैं ना तो हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, हम मार्केटिंग वाले मैनेजर से भी कंसल्ट करेंगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी करेंगे, सबसे अपनी कंसल्टेशन लेंगे ताकि हम जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हैं ना, दैट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव, मतलब